अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जुवेरिया। आज आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं जो हम ब्रेकफास्ट में बहुत जल्द बनाकर सिंपल ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने उड़द दाल को 2 आवर्स के लिए अच्छे से भिगो के रखा है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से। हम ग्राइंड करते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छे से हम इसको बारीक पीसेंगे, 1 से 2 बार करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने कितना बारीक पीसा है। हम पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें। उड़द दाल अच्छे से भीग जाए तो हमको पीसने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। हमको सिर्फ अच्छे से इसको भिगोना है। ग्राइंड हो जाने के बाद अच्छे से 5 मिनट के लिए इसको फैटेंगे। जितना इस मिक्सचर को फैटेंगे उतना ही हमारे बड़े क्रिस्पी बनेंगे और खाने में टेस्टी होंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छे से फैट लिया है। तो सिंपल ब्रेकफास्ट की तरह ये रेडी कर सकते हैं सुबह के समय। तो फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली या रेड चिल्ली और इनके बीज को निकाल देंगे, अच्छे से तराश लेंगे। अगर बच्चों को ग्रीन चिल्ली पसंद नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीफ जो बारीक तराश लिया है मैंने। इसमें ऐड करके अच्छे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। उड़द दाल के वड़े में सभी लोग प्याज कटी हुई ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की प्याज तो खाने में अच्छी रहती है पर ऊपर के हिस्से से ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाती है, इसीलिए मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। अब मैंने हाथों को पानी लगा के मैं जितने साइज़ के बड़े बनाना चाहती हूँ उतना मिक्सचर लेके अब हम ऊपर से होल कर देंगे पानी की मदद से। अब हम दूसरे हाथ में लेके गरम तेल में धीरे से हम एक एक करके इसमें फ्राई करेंगे। हीट ऑयल है, आप ऑयल को टच ना करें। तो देखिए मैंने सारे वड़ों को इस तरह से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। हम फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे फुटाने की चटनी के साथ और टोमेटो की चटनी के साथ ये सर्व कर सकते हैं। मैं तो हमेशा सुबह के नाश्ते में बहुत ही सिंपल चाहिए होता है, इसीलिए मैं बहुत इजी से बनवा लेती हूँ। तो देखिए 5 मिनट में बहुत जल्द इजी से हम घर पर बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा स्टेप भी हम तैयार करके सारे वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये उड़द दाल के वड़े। तो बहुत एनर्जी होते हैं, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए अंदर से मुलायम और ऊपर से क्रिस्प, खाने में बहुत ही टेस्टी, बच्चों की फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।